बड़े शांतिप्रिय तरीके से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश करी थी, लेकिन दिल्ली में परमिशन नहीं मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं के ऊपर केस डाले गए, जो केस 6-7-8 साल से बंद या शांत पड़े थे, उनको दोबारा खंगाला गया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति चल रही है। पूरे देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोगों को, विचारधारा से जो विपरीत लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। और आज भी हम सब यहाँ समर्थन में आए हैं कि राहुल जी अपनी बात को रखेंगे। इसमें छिपाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है विरोधियों को बदनाम करने के लिए। विशेष रूप से जो सरकार की एजेंसीज हैं, उनका सरेआम दुरुपयोग हो रहा है। ये जनता तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग इस मार्च को निकाल रहे हैं। हम अपनी बात को रखेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। कांग्रेस ने हमेशा गांधीवादी रास्ते को अपनाया है, उसी रास्ते पर आगे भी चलेंगे।